हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैं गई थी सरोजनी नगर, तो आप कुछ विजुअल्स देख लीजिए तब तक। और ये हम हैं रेड लाइन पर। केशवपुरा मेट्रो स्टेशन से हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी। और ये हम जा रहे हैं पिंक लाइन की ओर। हमने रेड लाइन से पिंक लाइन की तरफ हमने अपनी मेट्रो जो है चेंज करी थी, क्योंकि जो सरोजनी नगर जाती है वो पिंक लाइन ही जाती है। और हम 10:45 पर मेट्रो स्टेशन पर थे। हेलो तो बोल दे। आप देख सकते हैं मैं अपने भाई के साथ आई थी। चुप रह। और ये कुछ हमारे बाहर के नज़ारे हैं। ये बेसिकली साउथ कैंपस पड़ता है, सो इसलिए यहाँ पर बहुत सारा मतलब ग्रीनरी है। ये थोड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो फाइनली हम दो मेट्रो पार करके अपनी सरोजनी नगर मार्केट में पहुंच चुके हैं। ये एंट्री करते ही हमारे यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। कॉटन कुर्ती डॉट इन के बाहर आपको मोबाइल के कवर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, आपको सनग्लासेस मिल जाएंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स की शॉप्स भी थी, जो आपको अफोर्डेबल रेट्स में ईयरिंग्स अवेलेबल करवा रहे थे। और जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बट लोग पूरे के पूरे आ रखे थे, लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर आपको कुछ ज्वेलरी मिल जाएगी, जैसे नेकलेस वगैरह शादी के लायक, थोड़े छोटे मोटे फंक्शंस के लायक। और यहाँ पर 300 की सेल भी आपको कुर्तीज़ की मिल जाएगी। यहाँ पर प्लाजो भी थे, पैंट्स भी थी। और यहाँ पर 50 रुपीज़ के वाइट शर्ट्स वगैरह, शर्ट, टी शर्ट, कुछ भी आपको जो भी आपको लेना है तो वो मिल जाएगा। तो ये सरोजनी नगर के बाहर का एरिया है। यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन से हम बाहर निकले और यहाँ पर ये हम अंदर एंट्री हमारी हो रही है। ये बाहर का एरिया है। ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे यहाँ पर, ये इयररिंग्स थे। ये छोटे छोटे ईयरिंग्स आपको 30-30 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, आपको देखने पड़ेंगे कि आपको कौन से वाले चाहिए। यहाँ पर 50-50 की बहुत ज़्यादा सेल थी, 150 की तो बहुत थी। तो साथ ही साथ मैं आपको सरोजनी नगर हॉल वीडियो भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या क्या लेके आई वहाँ पर। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है। वहाँ पर आपको होम डेकोर, आपको ज्वेलरीज, आपको मेकअप आइटम, बहुत सारी चीज़ें और क्लोथ्स तो आप भरे पड़े हैं वहाँ पर। आपको वहाँ पर एथनिक वेयर, आपको वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगा। आपको वेस्टर्न वेयर, टी शर्ट, लोअर, घर में पहनने वाले कपड़े और कुछ कुछ शॉप्स में लड़कों की भी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ लड़कियों की चीज़ें होती हैं। सरोजनी नगर में लड़कों की भी चीज़ें थी। अगर आप अपने भाई के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पापा के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी लेना चाहते हैं तो सरोजनी नगर से भी आप ले सकते हैं। अपनी भी शॉपिंग कीजिए, साथ साथ में उनको भी दिलाइए। फर्स्टली हम शुरू करते हैं कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा।
जैसे कपड़े आए थे ना मैंने वैसे ही रख रखे हैं, मैंने कोई भी साफ नहीं किए हैं, मतलब उनको धोया नहीं है। आपको मैं जेन्युइन रिव्यू देना चाहती थी कि मुझे कैसे लगा है वहाँ पर और कैसे क्वालिटी के वहाँ पर कपड़े मिलते हैं, तो आप वो चीज़ देखिएगा। तो सबसे पहले ये नाइट सूट है, ये मुझे 250 का पड़ा है फुल, एकदम बहुत सॉफ्ट है। और इसके ऊपर का टॉप देखिए, टैग लगा हुआ है इसके ऊपर का, यहाँ पर एक पॉकेट है इस साइड और यहाँ पर बटन्स हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, बहुत ही सॉफ्ट है, मेरा कम से कम एक साल तो ये चल जाएगा, मुझे पता है अपना कि एक साल मैं चला लूँगी ये, काफ़ी अच्छा। और इसका एकदम कलर भी बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव कलर है इनके। देन मैं सेकंड चीज़ क्या लेकर आई हूँ, सेकंड चीज़ मेरी ये टॉप है, ये एकदम मेरे को मिला है ये 100 रुपीज़ का, काफ़ी सारे थे बट मेरे साइज के हिसाब से नहीं थे। आप पतली होंगी आप सब, तो आप वहाँ जाइए और वो चीज़ लीजिए। मेरे को काफ़ी ढूंढने के बाद अपने लिए एक टॉप मिला ये वाला, और ये एकदम टैग इसी का ही है, टैग अभी तक निकला भी नहीं है और इसी कंपनी का है ये, एकदम कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंपनी का ही लगा दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें टैग पर प्राइस रेट लिखा हुआ है 1799, मतलब 1800 रुपये का ये होगा टॉप। ब्राउन है ये, बहुत ही सुंदर है ये, देखिए फुल स्लीव्स का है, आपको आगे की वीडियोस में ये पहनी भी मैं दिखूंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोगों के साथ पहले शेयर किया जाए। तो ये वाला टॉप। देन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग रही थी, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, मैं भी गई भीड़ को ऐसे स्विम करती हुई। तो वहाँ पर शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी, तो मैं एक टी शर्ट लेकर आई हूँ, या तो ये मैं पहन लूँगी या मेरा भाई पहन लेगा, भाई को पसंद नहीं आएगा तो ये मैं पहन लूँगी घर में पहनने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की मिली है, ये पीछे इतना सुंदर सा यहाँ प्रिंट है, पर यहाँ पर थोड़ा सा इसकी क्वालिटी हल्की सी ख़राब सी है, बट चल जाएगा। वाइट चीज़ें मुझे पसंद है तो वाइट, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम आपको कूल रखेगा ये सिर्फ 100। मैंने ये 80 रुपीज़ का लिया है, देखिए पूरा ये मेरे घुटनों तक आएगा, नी तक आएगा ये मेरे, और काफ़ी अच्छा है देखिए, इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कहीं से कटा हुआ कहीं से कुछ नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा है। तो मैंने फटाफट से ले लिया, मैं सोच रही थी ये वाला लूँगी या नहीं लूँ, और वहीं से सेम दुकान से मैंने ये लिया है, ये भी मैंने 80 रुपीज़ का लिया है। देखिए इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है, एकदम ब्लिंकी ब्लिंकी लग रहा है मुझे, बहुत इधर देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे लिए बना है। एंड मैं कुछ जो शॉर्ट्स लेकर आई हूँ मेरे घर में पहनने के लिए, तो पहला शॉर्ट ये है, अब पता नहीं ये मुझे आएगा नहीं आएगा, मैंने एक बार ट्राई भी नहीं किया, ये शायद आ जाना चाहिए। ये शॉर्ट है, ये 60 रुपीज़ का है, मैं ऐसे ही दो लेके आ गई हूँ, ये रे 60 रुपीज़ के, काफ़ी अच्छा है और कॉटन का कपड़ा है, आपका आप गर्मियाँ चल जाएंगी, ठीक है। एकदम जब हमने एंट्री की तो वहाँ पर वाइट कपड़े बहुत सारे थे, तो 50-50 रुपीज़ के मिल रहे थे, तो मैंने ये एक शर्ट ली 50 रुपीज़ की। अगर मुझे ये सही नहीं भी लगेगी तो मैं इसे घर पे पहन सकती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही पतला फैब्रिक है और 50 रुपीज़ में आई क्या रहा है, घर की चीज़ें भी नहीं आती 50 रुपीज़ में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये शर्ट। और इसी स्टॉल से मैंने एक ये वाली भी ले ली थी, एकदम चाइनीज़ कटआउट सा लग रहा है, बहुत अच्छा है, सैटन का है एकदम, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं सरोजिनी मार्केट जाऊं और इयररिंग्स लेकर ना आऊं,
ऐसा ऐसा इम्पॉसिबल है। सो मैं वहाँ पर एंट्री किया था, सामने ही सामने में चल रहे थे। सो वहाँ पर मुझे 30-30 रुपीज़ की ये इयररिंग्स मिले, काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए, इसमें एलिफेंट बने हुए हैं, ये 30 रुपीज़ के हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं मुझे ये। देन सेकेंड मैंने वहीं से उसी स्टॉल से एक और लिए, ये देखिए, इसमें रेड कलर के बीट्स हैं। सीधा हो जाओ, ये रे। एकदम रेड हैं, बहुत ही सुंदर हैं। एंड 50 रुपीज़ का मैंने ये झुमके लिए हैं। वैसे ये और जगहों पर ये 100-100 रुपीज़ के, 150 रुपीज़ के मैंने खुद ये सुने हैं, क्योंकि मुझे ऐसे इयररिंग्स पसंद आते हैं तो मैंने नहीं लिए। मैं नहीं यार, ये मेरे बस की नहीं है, इतने पैसे मैं एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मैंने ये सोचा। बट फिर मैं सरोजनी नगर गई, सो मैंने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के मिले मुझे। बहुत सारे कलर्स थे, स्काई ब्लू था, रेड था, येलो था, ऐसे ही बहुत अच्छे से। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ये वाले पसंद आए तो मैंने ये वाले ले लिए। छोटा नहीं, एलर्जी डोर में, डोर में, डोर में, डोर में। मार्केट जा रहे हैं तो हमेशा अपना कैरी बैग अपने साथ लेकर जाइए और अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर चोरी वगैरह काफ़ी होती है। ठीक है, अपने फ़ोन का, अपने पर्स का, अपने चीज़ों का, अपने जो भी खरीदी है, अपने जो भी परचेज किए चीज़ें, उन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने पास ही रखिएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर कभी भी जाओ ना, तो आप दो लोग जाओ, क्योंकि क्या पता अकेले बंदे को पाके वो लोग सही ना, है ना, क्योंकि क्या पता कोई ना कोई पीछे पड़ जाए या फिर कुछ ऐसे आपको लूट लें। मैं ये नहीं चाहती, पर आप जाओ तो सेफ साइड दो बंदों के साथ, मतलब दो की टीम होनी चाहिए आप दोनों की, तो आप लोग जा सकते हो। आप किसी के साथ जाइए, वो कोई भी हो, आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उनके साथ जाइए। एंड वहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, काफ़ी ठीक प्राइस है, इतना भी वो नहीं है, ठीक प्राइस है, इतना सस्ता नहीं है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको ठीक मिल जाएगा, आपको मोमोज मिल जाएंगे, वहाँ छोले कुलचे मिल जाएंगे, आपको लेस वगैरह, आपको कोल्ड ड्रिंक, आपको शेक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप जाइए और वहाँ इंजॉय कीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर ऑल्सो।